वी वर सीइंग गंगा एवरी डे और हम लोग गंगा आरती अटेंड किया है ऋषिकेश में, आश्रम्स में गए हैं। वी हैव टेकन चीला रोड राजा जी नेशनल पार्क। विल शो यू समथिंग डिफरेंट इन दिस रोड। Hi, welcome back to Sevi Diaries. So now we are going back home, that is Rishikesh to Delhi. The route to sabka jana pehchana hai, but we'll show you something different in this road. So stay here was a Lemon Tree Premier, which is on the banks of River Ganga. So hamara stay tha yahan par 4 days ke liye and we were seeing ganga every day aur hum log ne ganga aarti attend ki hai rishikesh mein, ashrams mein gaye hain, we have explored rishikesh. दिल्ली से ऋषिकेश आए थे, हम अपने व्हीकल में थे, लेकिन हमने जो ऋषिकेश एक्सप्लोर किया वो हमने यहाँ के लोकल व्हीकल में किया है, जिससे हम यहाँ पे लोकल तरीके से एक्सप्लोर कर सके या वॉक करके किया है। त्रिवेणी घाट परमात आश्रम में आरती अटेंड की है, विराज का मुंडन कराया है यहाँ पे परमात आश्रम में एंड वी हैव विजिटेड सम लोकल रेस्टोरेंट्स आल्सो। सो नाउ एज यू कैन सी द सीनिक रूट हैज स्टार्टेड, तो ये गंगा कैनाल है। वी हैव टेकन चीला रोड राजा जी नेशनल पार्क, क्योंकि ये बहुत सीनिक है एंड दिस इज द फास्टेस्ट रूट, क्योंकि यहाँ पर आपको मिनिमल ट्रैफिक मिलेगा, नो रोड क्लोजर्स। सो दोज आर फॉन्ड ऑफ सीनिक रूट बट यू टेक दिस रूट, आप आराम से जाइए, पूरा ऐसा देखते हुए जाइए, साथ में गंगा कैनाल है, साइड में खेत है। We'll get चीला ब्रिज। जो नेचर लवर है दे शुड टेक दिस रूट, और आप यहाँ पर इस बार चीला कैनाल व्यू पॉइंट एज वेल, सो यू कैन टेक अ ब्रेक देयर। ऋषिकेश से जो हरिद्वार का जो डिस्टेंस है इट्स 24 किलोमीटर, तो बहुत ही सीनिक है ये, और ये आपको राजा जी नेशनल पार्क के थ्रू भी लेके जाता है। सो विल गेट टू सी डैम, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चीला इज अ विल्डरनेस एरिया विच इज पार्ट ऑफ राजा जी नेशनल पार्क। इफ यू आर लकी यू विल गेट टू सी सम वाइल्ड लाइफ ऑल्सो, आपको यहाँ पे एलिफेंट्स भी दिख सकते हैं। कैनाल क्रॉस करके देन यू गेट टू सी दिस राजा जी नेशनल पार्क, तो यहाँ से इसका एंट्री गेट भी है, अगर टाइम है तो अफकोर्स यू कैन विजिट राजा जी नेशनल पार्क ऑल्सो। दिस इज भीमगौड़ा बैराज, डैम है जो कि हर की पौड़ी पर है हरिद्वार के पास में, एंड मेनली फॉर इरिगेशन। इसके बिहाइंड देयर इज अ नील धारा बर्ड सेंचुरी विच इज फॉर वाटर बर्ड्स, और जो भी बर्ड लवर्स है तो इट्स अ गुड साइट फॉर देम। ऑन द हाईवे यू गेट टू सी आवर नेशनल फ्लैग विच गिव्स यू अ प्राउड मोमेंट।
now it's time to take break. तो इस बार हम लोग हल्दीराम पे ब्रेक नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम लोग ब्रेकफास्ट करके आए हैं. सो वी विल हैव सम टी हियर. तो यहाँ पे ये चाय का नुक्कड़ है. तो यहाँ पे ये ऑप्शन, आप या तो शिकंजी ले लीजिए या चाय ले लीजिए. एंड चाय दे सर्व यू इन ट्रेडिशनल कुल्लर जो कि बहुत ही टेस्टी थी. एंड दे सर्व बन ऑल्सो विद दैट. आपको समोसे भी मिलेंगे यहाँ पे. सो वी हैव स्नैक्स हियर. हाईवे इज रियली स्मूथ. Now this is the worst thing you experience on highway. I can see a tire burst of that truck. So जब भी आप highway पे हो, and this is super highway, you have to be very careful while driving. क्योंकि यहाँ पे बहुत smooth होता है and थोड़ा सा आप लापरवाह हो जाते हैं because you try to enjoy the views, you try to enjoy the road. So one has to be very careful while driving on these highways. सुपर हाईवेज हैं, बट मेंटेन योर स्पीड एंड बी वेरी कॉशियस व्हाइल ड्राइविंग. दिल्ली के पास पहुंचने वाले हैं और आपको ये यहाँ पे क्या दिख रहा है, गेट टू सी सो मेनी बर्ड्स हियर. और ज्यादातर ये ईगल्स हैं एंड देयर थाउजेंड्स इन नंबर्स. सो दिस इज व्हाट वी गेट टू सी व्हेन यू आर अप्रोचिंग दिल्ली. तो ये जो आपको दिख रहा है माउंटेन जैसा, तो दैट्स माउंटेन ऑफ रबिश. तो इसको माउंट एवरेस्ट बोला जाता है रबिश का. एंड इट्स द टॉलेस्ट रबिश माउंटेन इन इंडिया. तो हम लोग दिल्ली पहुंचने वाले हैं. तो यू कैन सी सनसेट होने वाला है. जब निकले थे दिल्ली से सनराइज हुआ था. सो इट वॉज सेम फेनोमेना. हमें इसी तरीके से सन दिखा था सनराइज होते हुए. एंड नाउ वी आर सीइंग सनसेट. तो जब भी आप सन के अगेंस्ट होते हो तो पिक्चर या वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं दिखाई देगी बिकॉज ऑफ द सन रेज. बट यस, एंजॉय द व्यूज. आप दिल्ली में एंटर हो रहे हो और आपको ट्रैफिक ना मिले, बट वी आर फॉर्चुनेट कि हमें हमारा वाला ट्रैफिक नहीं मिला. हमारे साइड वाला ट्रैफिक इज ऑन द अदर लेन. So we really enjoyed this trip of Rishikesh and I've documented everything. So if you want, you can watch our series Rishikesh. If you have any questions related with Rishikesh, our road trip, how to travel with a child, you can ask us. We'll be happy to answer all your questions. Thank you.